हिमाचल प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज पीटरहॉफ शिमला में चल रही है, जहां बीजेपी अपनी कोर ग्रुप की बैठक में पीएम मोदी के हिमाचल में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और तैयारियों को लेकर चर्चा कर रही है। वहीं विधानसभा चुनावों के लिए एक एक सीट पर मजबूती लाने को लेकर भी मंत्रणा होगी। इसके साथ ही संभावित प्रत्याशियों को लक्षित कर चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई जाएगी। कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी आज तमाम मुद्दों पर रणनीति बनाएगी। बैठक में कांग्रेस से आए पवन काजल व लखविंदर राणा को क्या जिम्मेदारी दी जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी प्रदेश बीजेपी के नेताओं को चुनाव प्रचार के बारे में कुछ टिप्स दिए हैं, इन पर भी विचार मंथन किया जा रहा है। इसी बीच विवादों में घिरी हिमाचल लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों पर भी मंथन की उम्मीद है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हो रही बैठक में सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और अन्य पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर, संजय टंडन, डॉक्टर राजीव सैजल व शांता कुमार इस बैठक के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए महज 2 महीने ही बचे हैं। उससे पहले प्रदेश बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। इसी क्रम में फटाफट पार्टी के कोर ग्रुप की बैठकें बुलाई जा रही हैं। बता दें कि अगस्त में कोर ग्रुप की ये दूसरी बैठक हो रही है। आज कोर ग्रुप की बैठक हमारी है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुदान सिंह जी, हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय धूमल जी और अन्य जो हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, सभी लोग पहुंच रहे हैं और बहुत जल्दी हम अभी बैठक शुरू करने वाले हैं। देखिए, मुद्दा तो जब बैठक शुरू होगी उसके बाद ही किन मुद्दों के ऊपर तय करेंगे। वो तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता, कोर ग्रुप में तो एक वरिष्ठ लोगों का जो जो चर्चा का विषय आएगा, जैसे भी आएगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर भी क्या कोई रणनीति बन रही है, कब केंद्रीय नेताओं के दौरे होंगे या प्रधानमंत्री? देखिए, बहुत जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी का और जो अन्य हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं और अन्य जितने भी हमारे प्रमुख लोग हैं, माननीय केंद्र के नेतृत्व, केंद्र के नेतागण और पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, उनके जल्दी ही दौरे प्रदेश के होंगे। तो मैं समझता हूँ चुनाव जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा बहुत शीघ्र ही मैं कहना चाहूँगा देश का होने वाला, जिसमें एक तो हमारा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर, जिसके भवन का लोकार्पण जल्दी होने वाला है। इसके अलावा युवा मोर्चा की एक बड़ी रैली भी हम प्रदेश में हमारी प्रस्तावित है, बहुत जल्दी इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी आएंगे। इसके अलावा अन्य हमारे कार्यक्रम माननीय मोदी जी के हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी 20 और 21 तारीख को जिला सिरमौर के जो हमारे नाहन विधानसभा क्षेत्र है, पौंटा विधानसभा क्षेत्र पिछाद, उसके बाद जिला सोलन, शिमला संसदीय क्षेत्र के जिसमें कुमार जो कसौली है, सोलन है, उसके बाद शिमला ग्रामीण जो है, इन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा होते हुए शिमला में आए थे। और मैं समझता हूँ उनके आने से एक नई ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं के अंदर हुआ है। बहुत शीघ्र ही अन्य क्षेत्रों में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दौरे भी होने वाले हैं और अन्य हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के दौरे भी होने वाले हैं।
अभी उसको हम तय करेंगे कि कहाँ पर रैली होगी। ऐसे अनेकों विषय हैं जो हम डिस्कस करेंगे और फिर आपको उसकी जानकारी मिलेगी।